बात करते हैं रीवा की, जहां सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत खामहा निवासी निधि चतुर्वेदी ससुराल पक्ष से प्रताड़ित होकर न्याय के लिए महिला थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंची है, लेकिन महिला का कहना है कि उसे कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। महिला ने बताया कि उसके ससुर बाबूलाल चतुर्वेदी, जेठ विवेक चतुर्वेदी और जेठानी पूजा चतुर्वेदी ने मिलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और अब वो खुले आसमान तले जीवन जीने को मजबूर है। उसका पति ट्रक ड्राइवर है जो कि बाहर रहता है। इतना नहीं, ससुर के द्वारा संपत्ति से बेदखल करने और जान से भी मारने की धमकी दी जा रही है। दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला का कहना है कि ससुर के द्वारा आए दिन शराब के नशे में उसके साथ प्रताड़ना की जाती है। अब वो अपने दो छोटे बच्चों को लेकर भटक रही है क्योंकि उसके ससुर के द्वारा उसे घर से भी बेदखल कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़। क्या नाम है आपका? निधि चतुर्वेदी। क्या समस्या है आपकी? सर, मेरे वो ससुर हैं वो घर से बाहर निकालते हैं और मेरी जेठानी है तो वो भी ऐसे ही करती है, जेठ भी है तो वो लपटते हैं, मारते हैं कि तुझे मार, तुझे तेरा यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ अधिकार है वहाँ लेकर जा, कुछ नहीं देते। बताइए, हम छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएं? शादी करके आए तो कहे गाना गाँटी सब हम बेच डाली वहाँ ससुर, तो बताइए हम कहाँ गई कहाँ गई। क्या करते हैं ससुर आपके? हमारे बाल विकास में नौकरी करते हैं, महिला बाल विकास में। ससुर? हाँ, रोज दारू पी के आते हैं तो रोज गाली गुच्छा देते हैं, कहते हैं निकल जा अपनी मायके में जा डेरा ले, हमको कुछ तोबा मातारी नहीं दी, तो बताइए हम लोग कहाँ जाए निकल। मात्र 7 महीना लड़के बैठे हुआ रहा, ऑपरेशन से बच्चा भी मायके में तैयार, हम चोरी करके सब दी हमार घर दुआ सब हुआ कही भी, बस बैठो कोठवा में रही थे कच्चा वाला घर है तो उठ सीख दारी में खाना बनवा रहा, मैं कहे ही बताइए हम कहाँ जाए, कैसे दुख रो क्या करें। इसकी शिकायत आपने थाने में की है? करण तो हम कुछ नहीं करें सर। कौन से थाना आता है? महिला बाल विकास में करे यहाँ करण, महिला थाना में करण है। महिला थाने में जी सर, कोई सुनवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ, तब ना एजेंट थे आए। अब पति क्या करते हैं आपके? पति ट्रक चलाते हैं। पति आपके साथ हैं? हाँ सर हैं। किस लिए परेशान करते हैं बताइए, दहेज के लिए? दहेज पता नहीं सर की, दहेज नहीं सर दिए अब तक, नहीं दिए तो उनके मतलब बोलते हैं कि हम कर्जा करके पैसा तेरे का बताई, बहुत गंदा गंदा सर शब्द बोला थे। नाम है अपना के? आपकी कौन है ये लड़की? क्या समस्या है लड़की? समस्या यह है कि दहेज हमारे देकर नहीं पूछता, मांगी नहीं कहीं तुम्हारे पूजी तो काज कर रहे थे, मतलब हम कही दिया जो तुम्हारे पूजी तू दाई दी है तो हमारे जितना पूछते सब दिया, लड़की गहना दिया, भड़वा बर्तन जितना आज बिटिया के नहीं दे सब बेच खाली सर, नहीं ले जा लीजिए सब बेच ली, अब कहा कहते कि तोरे दहेज लागे लागता ये हमको मतलब ले आके दे, अपने बाप का पैसा मांगते हो तबाही करा थी घर में रहा नहीं देखिए ससुर यही तो गाड़ी दे अब प्रांग बोली का बताइए अपन से का बोलो ससुर। इसकी शिकायत थाने में की आपने? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ। 6 महीना लड़की के अपने घर में रखे रहे तब भी कहाँ जाओ 6 महीना रहे तो जो सयान लोग सब उन्हीं के पक्ष बोलते हैं, हमें नहीं बोलते, बोलते ऐसी है ये सब गंदी गंदी बोलते, तू व्यस्त है सबसे, तू घर में तेरे घुसते हैं ये है वो ऐसे कुछ नहीं, फिर भी आल जुलून खुद ही अपने पत्नी को मार डाले, फांसी लगा के अब उल्टा हम आरोप लगाते हैं सर क्या करें। सास नहीं है आपके? नहीं, उन्हें खुद ही मार डाले अब सवेरे के आए 10 बजे की ही आगे बैठे बैठिए खाती, अभी नाती नौतीन कहाँ से इनका कहाँ पारी क्या करी समझ नहीं, क्यों घर में बैठिए पचा थी।